एक बात बता, तेरी सिस्टर की शादी हो रही है, तेरे बेस्ट फ्रेंड की शादी हो रही है, तू शादी कब कर रहा है? कभी नहीं। तुमने कुछ कहा इसके? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, गर्लफ्रेंड कैसी है तेरी? इनकी गर्लफ्रेंड है? क्यों, नहीं हो सकती? नहीं मतलब हो सकती है, पर आप वैसे वाले लगते हैं ना। वैसे कैसे? वैसे वाले जिनकी राखी सिस्टर होती है पर कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं होती है। आपकी सेटिंग हो ही नहीं सकती। व्हाट सेटिंग? हमारे यहाँ गर्लफ्रेंड नहीं बोलते हैं, सेटिंग बोलते हैं। तुम्हारा ये मतलब है कि जिनकी सेटिंग मतलब जिनकी गर्लफ्रेंड होती है उनके सर पर क्या सींग लगे होते हैं? सींग वींग नहीं होते हैं, पर वो ऐसे भी नहीं होते हैं। ऐसे कैसे? ऐसे अरे क्या है इश्की, तुम भी ना। अरे आहान की गर्लफ्रेंड है, बस किसी से मिलवाता नहीं। मयंक, ऐसी ही गर्लफ्रेंडों को ना शास्त्रों में काल्पनिक कहा गया है। मेरी गर्लफ्रेंड का ही कॉल आ रहा है। हेलो। हाय आहान, कहा हो? उस लड़की से जान छोटी, करवा दी शॉपिंग? हेलो, कौन लड़की, कैसी लड़की? हेलो, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, मैं बाद में फोन करता हूँ तुम्हें। आहान, मैं मयंक की मंगेतर की बात कर रही हूँ, वही तुम्हें सुपर इरिटेटिंग लगती है ना। तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मुझे बिल्कुल तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, मैं करता हूँ ना बाद में फोन। वो आसपास ही है क्या, तभी इतने स्ट्रेस्ड लग रहे हो। आई रिमेम्बर, तुमने बताया था कि वो कितनी अजीब है, उलझुल हरकतें करती है, उसका टॉप फ्लोर खाली है। अरे वो तो शशांक की गर्लफ्रेंड है। पर तुम्हारा तो शशांक नाम का कोई फ्रेंड नहीं है। अगर शशांक नाम का फ्रेंड नहीं है ना, तो शशांक नाम का फ्रेंड बना लूंगा मैं। ओके बाय। लगता है तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। जानते नहीं है, बस एक दो बार मिले हैं। मिले नहीं है, टकराए है। अरे मिले हैं या टकराए हैं वो मैटर नहीं करता, इम्पोर्टेंट ये है कि मेरी होने वाली बीवी और मेरा बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे को पहले से जानते हैं। अब अगर जानते हो तो एक दूसरे को पसंद भी कर लो। अरे यार, अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करोगे तभी तो हमारी दोस्ती बची रहेगी ना। जस्ट इमेजिन कि अगर सोनू मुझे पसंद नहीं करती तो क्या मैं और आहान एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स होते? क्यों सोनू, तुम मुझे पसंद करती हो तभी तो मैं और आहान इतने अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना। पसंद करती हो ना सोनू? इश्की तुम भी ना, अरे आहान को एक मौका तो दो। यहाँ से लेफ्ट लेकर रोक लीजिए। तुम्हें तो आगे जाना है ना। हाँ, मुझे किसी से मिलना है, उसके बाद घर जाऊंगी। मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, आप मत चलिए, आप घर जाइए, आपका अंकल जी के पास रहना बहुत जरूरी है। मैं चली जाऊंगी। लो आ गए। आ गई सुनो, हो गई शॉपिंग? इतनी सी शॉपिंग? अरे शॉपिंग करने गई थी, सेल्फियां लेने गई थी। अरे चल दिखा दिखा क्या लेके आई है। हाँ कमाल है मैडम, यहाँ बड़ा इंटरेस्ट दिखा रही हैं आप। कल जब मैं शॉपिंग करके आया तब तो आपने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अच्छा, कहाँ गए थे वैसे आप शॉपिंग के लिए? वो सब्जी मंडी।
अरे दूधी और टिंडा लेने को ना शॉपिंग नहीं कहते। ये भी ना मैं। सोनू तू इतनी चुप क्यों है? डिस्काउंट डिस्काउंट नहीं मिला क्या? चुप होगा तू? मैं कहां चुप हूं? चाची देखो ना पूरा साउथ ईस्ट खरीद के लेके आई हूं। देखो हाँ रंग तो बहुत सुंदर है। हाँ। तुझ पे बहुत अच्छा लगेगा। वाह बहुत प्रिटी लहंगा। इसके साथ के कुंदन के इयररिंग्स लाई है कि नहीं? क्या हुआ सोनू तू इतनी चुपचाप क्यों है? नहीं चाचा चुप नहीं है, वो इतनी गर्मी थी ना तो थोड़ा थक गई हूँ। भाई इसको क्या हुआ? बड़ा ही बदतमीज टाइप का बंदा है, सबसे कहता है मेरा टॉप फ्लोर खाली है। आंटी जी माता रानी बड़ी बात ना बुलाए पर मेरा इतना ब्रेन है ना कि उल्टे हाथ से शतरंज खेल लूं। उसे क्या पता इचकी क्या चीज है। बड़ा आया EVM कहीं का। EVM नाम म्यूजिक कंपनी वाला है लेकिन म्यूजिक कंपनी नहीं है, सड़ू सा बंदा है। खैर आप वो सब छोड़िए, हलवा कैसा लगा? अच्छा ही लगा होगा, मैंने जो बनाया बताए मेरे हाथ के आलू के पराठे और हलवा वर्ल्ड फेमस है। नेक्स्ट टाइम ना मैं आपके लिए आलू के पराठे लेकर आऊंगी। आलू के पराठे विद व्हाइट मक्खन। ओए होए 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 सफेद मक्खन विद आलू के पराठे मजा ही आ जाएगा। आंटी जी आप अचार खाती हैं? मेरी मौसी ना बेस्ट अचार डालती हैं। मैं तो हमेशा कहती हूँ मेरे विचार अच्छे मौसी का अचार अच्छा। हाय मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ, अचार विचार का ही जोक बना दिया मैंने तो। आंटी क्या हुआ? क्या हुआ ये क्या हुआ है? दर्द होता है। कोई बात नहीं मैं डॉक्टर से कह दूंगी वो आपको दवाई दे देंगे। एक लड़की सावित्री से मिलने आई है, शायद वही लड़की है जिसके बारे में आप जानना चाह रही थी। आप अभी आकर उस लड़की से मिल सकती हैं। मैं आ रही। आप लोग यहाँ ग्रुप पे तेरे मैसेजेस की वजह से आए। मैंने कोई मैसेजेस नहीं किए हैं। इसलिए तो आए, ग्रुप में तूने कोई मैसेजेस नहीं किए, इस इडियट ने अपने कोई घटिया जोक्स क्रैक नहीं किए, भाई ने संस्कारी बातें नहीं की, तो मतलब कोई प्रॉब्लम है। चल बता क्या हुआ है। कुछ नहीं हुआ है, सच में कुछ नहीं हुआ है। सोनू जब हम घर से शॉपिंग करने गए थे तब तो तू खुश थी, फिर क्या हुआ तुझे? शॉपिंग करने में कुछ हुआ है क्या? पहले ही तुमसे बहुत दूर रह चुका हूं मैं, अब और दूर नहीं रह सकता। मयंक मयंक की स्टूपिड फियांसे ने तुझे कुछ कहा? नहीं भैया इश्की ने मुझसे कुछ नहीं कहा। तो किसने कहा? देख कुछ तो हुआ है। इतना वेट बढ़ गया है क्या? कार्तिक तुझे पता है ना सोनू का वेट उसके लिए कितना टची टॉपिक है? यस आपकी एज और सोनू का वेट दोनों टची टॉपिक्स है। शट अप। देख सोनू हम तीनों एक दूसरे से कुछ नहीं छिपा सकते, हम तीनों एक दूसरे की शक्ल देख के बता सकते कि मन के अंदर क्या चल रहा है। चल बता क्या हुआ है, बता। नहीं बताएगी? नहीं बताएगी? कुछ नहीं है। याद है ना, बाटे खुशियां बाटे गम तीन नहीं एक है हम। चला पता क्या हुआ है। या वो आज शॉपिंग मॉल में जब मैं लहंगा ट्राई करने गई थी तब
तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं आप दोनों को हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हूँ। मुझे छोड़ के जाने का गम है, तो इस इडियट को छोड़ के जाने की खुशी भी तो है। भाई आपका इस भाई बहन के स्वीट मूवमेंट को लेट्स टॉर्चर कार्तिक मूवमेंट बनाना जरूरी है। वैसे भी बेचारी सोनू ऑलरेडी इतना स्ट्रेस्ड है, इसके फेवरेट भाई का मजाक बना के ना और स्ट्रेस मत बढ़ाओ। मैं क्या अपना मजाक बना रहा हूँ भाई यार। और रही बात स्ट्रेस की, तो इसे ऐसे बाय बाय कर देंगे। चलो भाई और बहनों अपने अपने स्थान ग्रहण करो। चलो सोनू, अगर मयंक की उस साइको फियांसे ने तुझे कभी भी परेशान किया ना, तो मुझे जरूर बताना। हाँ भैया पक्का बता दूंगी। किथे है वो लड़की? वो जा रही है। तो दिखाई नहीं दे रहा। रुको से। Excuse me. हाँ जी? आप किसी पेशेंट से मिलने आई थी? जी। क्या मैं आपका विजिटिंग कार्ड देख सकता हूँ? वो तो नहीं है। आपने पेशेंट के डॉक्टर से परमिशन ली थी? जी नहीं। तो फिर आप अंदर कैसे आ गई? ये पब्लिक पार्क नहीं, ये हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल के कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। आप हैं कौन और पेशेंट को कैसे जानती हैं? चलिए अपना नाम बताइए। मैं नहीं बता रही। मतलब लास्ट वीक भी एक अंकल ने ऐसे पूछताछ की थी, मैंने उम्र का लिहाज करके बता दिया तो अगले दिन अपने बेटे का रिश्ता लेकर आ गए मेरे लिए। मैं नाम वाम नहीं बता रही आपको। पर एक से, आप मेरी क्या इंक्वायरी करेंगे? इंक्वायरी तो आपकी होनी चाहिए। कैसा हॉस्पिटल है ये? कैंटी जैसी बाहर निकल गई थी, अगर मैं उन्हें वापस नहीं लाती तो न जाने क्या हो जाता। दीजिए, आप मुझे उनके फैमिली वालों का नंबर दीजिए। बताती हूँ मैं उनको कि उन्होंने आंटी जी को कैसे थर्ड ग्रेड हॉस्पिटल में भर्ती करा रखा है। ताले वाले नहीं लगाते क्या डोर पे? देखिए एक बार गलती होगी इसका मतलब ये नहीं कि हमारा हॉस्पिटल केयरलेस है। हम अपने पेशेंट का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, दोबारा ऐसा नहीं होगा। हुआ ना तो मैं इस हॉस्पिटल को छोड़ूंगी नहीं। इश्की, That's your table, sir. तुम यहाँ क्या कर रहे हैं? आहान पहुंचा? शो मी। गाइस, आई नो मैंने ये मीटिंग अरेंज करके तुम दोनों को मेजर वाला शॉक दिया है। आई एम सॉरी। पर मैं और क्या करता? अरे यार तुम दोनों मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा स्पेशल हो। और मैं नहीं चाहता मुझे कभी भी तुम दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़े। मुझे ये बेस्ट फ्रेंड या वाइफ वाली सिचुएशन में नहीं आना है यार। सो प्लीज सिट अक्रॉस द टेबल, आपस में बातें करो, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, गलतफहमियां हैं, सब के सब यहीं सॉल्व करो अभी। ओके पर गाइस मेरे लिए एंजॉय द डिनर। सॉरी गाइस, मैंने ये डिनर इसलिए अरेंज किया ताकि तुम दोनों आपस में बिजी रहो पर मैं अपनी सोनू के साथ अकेले में बात कर सकूं। अच्छा।
मैं मयंक के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ इस जगह पे डिनर नहीं कर सकता। मैं भी नहीं कर सकती। अरे ब्रेकफास्ट लंच डिनर बहुत दूर की बात है। मैं आपके साथ भुट्टा ना खाऊं, बंटी वाली बॉटल ना पीऊं, काले वाला चूरन ना चाटूं। क्या क्या खाती हो तुम? जो भी खाती हूँ आपसे मतलब। जा रही हूँ मैं, बाय। एक्सक्यूज मी सर, सर आज हमारे रेस्टोरेंट की एनिवर्सरी है इसलिए ये पेस्ट्री। सर ये कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब फ्री? सर ये हार्ट शेप पेस्ट्री खाने से आप लोग का प्यार भी बढ़ेगा। सर प्लीज। सर एनी प्रॉब्लम विद द अरेंजमेंट? सर प्लीज। थैंक यू। थोड़ी देर पहले तो तुम मेरे साथ वो भुट्टा और चूरन भी नहीं खाना चाहती थी, पेस्ट्री देख के बैठ गई। मेरे क्लास का असूल है, अगर जहर मिले ना वो भी खा लो। ये जहर है? पर आप तो हैं। लीजिए, आपके हिस्से का आधा दिल। व्हाट आधा दिल? देना था तो पूरा दिल देती ना। पेस्ट्री की बात हो रही है। बेबी तुम तो ऐसे शॉक हो रही जैसे मैं फर्स्ट टाइम बालकनी से तुम्हारे रूम में आ रहा हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो हम दोनों के बीच जो कुछ भी था वो सब खत्म हो चुका है। इट्स ओवर। मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ, मेरी शादी हो रही है और तुम्हारी भी तो शादी हो रही है। लेकिन मैं मूव ऑन नहीं कर पाया हूँ सोनू, बिकॉज आई स्टिल लव यू। बट आई डोंट लव यू। ये देखो, मुझे तो भाई यही पसंद है। कैसा लगा? हाय हाय, क्या हो गया आजकल आपके टेस्ट को? इस डिजाइन का तो मैं विजिटिंग कार्ड भी ना बनवाऊं। ये है, ये देखो कितना सुंदर है। क्या है इसमें? देखो। गाइस, जिसकी शादी उसी से पूछ ले। अरे यार, दिमाग लगा के बात क्या कर? ये कोई वक्त है राज के घर जाने का? ये सोनू की बात कर रहा है। चल सोनू से जाके पूछते हैं। वो ही फाइनल करेगी डिजाइन। प्लीज से पहले कोई आ जाए, तुम जाओ यहाँ से। सोनू मैं तुम्हें छोड़कर, सोनू मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। जाओ यहाँ से। सोनू मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। अरे क्या मेरी शादी? मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। देख सोनू, अभी भी देर नहीं हुई है, तू बस एक बार हाँ कह। हाँ तुम जाओ यहाँ से। सोनू कहाँ जा रही हो? सोनू तुम हाँ कह देना एक बार। सोनू मैरी मी। सोनू मैरी मी। सोनू डिजाइन तो मेरा ही पसंद आएगा। नहीं मैं पहले कह रहा था, आप दिखाएंगे ना? नहीं सकता। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.